गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है राजन शिवानी ब्लॉग्स। आज हमारे घर में सत्यनारायण भगवान जी की पूजा है। बाबू के आने की खुशी में हम लोगों ने ये पूजा रखा है, उसके ही प्रिपरेशन में हम लोग लगे हुए हैं अभी सुबह से। तो आइए दिखाते हैं क्या कैसे चल रहा है आगे। तो ये देखिए, फुआ जी यहाँ पे आ चुके हैं और ये पूजा का जो यहाँ पे मंडप बनेगा उसका थोड़ा सा प्रिपरेशन यहाँ पे चल रहा है। ये केले के पत्ता एंड ऑल हम लोग यहाँ पे काट के लेके आ चुके हैं। तो जैसे ही पंडित जी आते हैं पूजा एंड ऑल स्टार्ट होगा तो फिर हम आपको अपडेट देंगे। दादाजी भी आ गए हैं, मंडप का काम है वो दादाजी का ही डेडिकेटेड होता है। तो दादाजी यहाँ पे एकदम आके अब इसको टनाटन कर देंगे 5 मिनट में, फिर दिखाते हैं आपको मंडप कितना सुंदर बनता है यहाँ पे। दादी मैं मौन व्रत तो नहीं धारण कर लिया आप? नहीं, आज के दिन में बिल्कुल आप मौन धारण नहीं कीजिए, सही बात है। ठीक ठीक, वही। तो ये देखिए मंदिर कितना सुंदर विष्णु भगवान जी का बनके तैयार हो गया है फाइनल टच की ओर। ऊपर क्या कुछ चल रहा है हमारे यहाँ, यहीं पे पंडाल बनाया है, यहीं पे खाना वाना सब बनेगा। ये यहाँ पे जाजिम पस रहा है लेकिन आज इतना तेज हवा है कि यहाँ पे लगता है जैसे शो चल रहा है, कोई लाइव शो हवा में उड़ने का। देखिए अभी कहीं उड़ा कर ला जाए फुआ जी, एक तो हवा में ही पतंग है जाइए ना, कोई जरूरी ना है एकरा। चलिए फिर आके ले जाएंगे आधे घंटे में सूखने के बाद। चलिए नीचे का हालचाल देखते हैं। तो यहाँ पे पूजा के लिए फूल उलाया गया है और माला बना रहे हैं रोहन और दादी माँ और बुआ जी। यहाँ पे भगवान जी का प्रसाद बनाने के लिए सारा कुछ केला यहाँ पे रख रहे हैं। ये सत्यनारायण भगवान जी का प्रसाद बनेगा। इसमें गुड़, मीठा दूध गाय का, केला एंड थोड़ा सा भुना हुआ गेहूं का आटा, ये सारा कुछ मिला के भगवान जी का प्रसाद रेडी हो रहा है। तो ये देखिए अभी हलवाई हलो यहाँ पे पहुँच गए हैं, फिर यहाँ पे अब खाना पीना का प्रोग्राम शुरू होगा। और यहाँ पे हमारे भाई लोग भी देखिए एकदम बैठे हुए हैं मंच वंच लगा के। ये देखिए सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हाँ, बर्तन भी आ रहा है सेठ जी, बर्तन भी आ रहा है। ये देखिए बाबू यहाँ पे सो रहा है बुआ दादी माँ के गोदी में। अब इनका स्पेशल टाइम है तो अपना ही बुआ के साथ अपना टाइम बिता रहे हैं। अभी बा डेली देख ले चाहे करा तब तो ठीक है। तब तो पूजा के लिए हम लोग एकदम वस्त्र पीताम्बर वस्त्र धारण करके हम रेडी हो गए हैं। और देखिए शिवानी जी भी आज एकदम पूरा फुल फॉर्म में आ गए हैं वापस बहुत दिनों बाद। और फुआ जी पीछे यहाँ पे विद्यमान है और यहाँ लाली बाबू भी देखिए कुछ ना कुछ पता नहीं क्या कांड कर रहे हैं ही। और बाबू यहाँ पे सो रहा है सामने यहाँ पे। तो चलिए अब हम चलते हैं पूजा की ओर। पूजा अर्चन सब शुरू होगा। यहाँ देखिए दादी माँ, माता जी, नानी जी, पंडित जी, सावन भादो वाले पंडित जी हैं ये, ठीक है सब लोग। चलो तब हम पूजा कर छी, पंडित जी बैठे छी तब। भ्यौ नमः ॐ ऋद्धि सिद्धि सहिता श्रीमन महागणपते भ्यो नमः ॐ। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें, रात में नाम संकीर्तन आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का समस्त समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेगा उसका मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होगा। ही भक्तराज तुमसे तो विकराल कली काल में कर्म छिपे नहीं है, खान पान का आचार विचार तुम चाहते हुए भी अपने सब फूल चढ़ाओ ना। ओम वृंदावन स्वाहा, ओम भू स्वाहा, ओम भुव स्वाहा। ओम विष्णु रात्मसी विष्णु शिव सी वैष्णव मसी विष्णवे स्वाहा। ओम विष्णु रात्मसी विष्णु शिव सी वैष्णव मसी विष्णवे स्वाहा। ओम विष्णु रात्मसी विष्णु शिव सी वैष्णव मसी विष्णवे स्वाहा। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी।
समधिनी जी का मिलन हो रहा है तो एक बार और खिला दीजिए मिठाई। देखिए ये सासू माँ है, ये सासू माँ है और ये हमारी फुआ जी हैं। तो दोनों आदमी जो है अपना थोड़ा सा हाँ हाँ खिलाइए खिलाइए, बहुत दिन बाद मिले हैं ये लोग ब्याह शादी के बाद। तो उधर देख के खिलाइए कि नाकों में खिला दीजिएगा आप तो। दाई जी है यहाँ पे, एक और दाई जी है, एक नानी जी है यहाँ पे। ओ यहाँ आंटी भी माता जी व्यवस्था में लगे हुए हैं। हम आ गए माता जी, अब एक और नानी जी सीता माता भी आ गए हैं। देखिए प्रणाम नानी जी। और मौसी जी यहाँ पे चुपचाप जो है सो अपना एक एक प्रसादी लेके ग्रहण कर रहे हैं। अहाँ के खत्म भाग झूठे के पोज दै छी अहाँ। फिलहाल अभी सब लोग बिजी हैं यहाँ पे, बहुत बिजी हैं एंड उसी में जैसे टाइम निकल पा रहे हैं हम एक दो मिनट करके रिकॉर्ड करने का यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। और जो भी है मेमोरीज और जो यहाँ पे हो रहा है उसको प्रॉपरली हम लोग कैच करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप देखते रहिए क्या कुछ होता है, अपडेट करेंगे आपको धीरे धीरे। तो अभी छत पे हम लोग आए हैं, यहाँ पे भोज भात का थोड़ा प्रोग्राम चल रहा है जी। ऑयल एंड ऑल यहाँ पे कुछ है, पनीर भी आ चुका है वहाँ पे, पनीर दो प्याजा का प्याज भी यहाँ पे भुना चुका है। और यहाँ पे ये साउंड सिस्टम का भी उत्तम व्यवस्था किया गया है। और आप देख रहे हैं वाओ कितना अच्छा नज़ारा है अभी आसमान का। ये बड़ा सा एम्पलीफायर इन्होंने ला के यहाँ पे रखा है। दो दिन से लाइट की स्थिति बहुत ही दयनीय है, सुबह से लेकर शाम तक तो नहीं रहता है और आज भी वही हालत है, बट बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हमें। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे जनरेटर भी है और इन्वर्टर तो बंद हो ही चुका है। तो अभी जस्ट हम लोग जनरेटर यहाँ पे चला के और फिर जो म्यूजिक सिस्टम ये भी लगा रहे हैं उसकी टेस्टिंग करेंगे ताकि काम में कोई दिक्कत ना हो। चलाना खुशहाल आराम से, बस बस ले लेगा शाबाश। ये देखो छोटू जी फुआ दाई के साथ खेल रहा है, पूरा सूट बूट लगा के रेडी हो गया है लड़का एकदम सेटिंग के साथ। अब बूढ़ी दादी माँ जो है इसको दादाजी के पास लेके जा रहे हैं। दाई के कोना में जाते सुत गए अभी दोपहर के 3 बजने वाले हैं। और ये देखिए खाना वाना सब जो है अभी बनने लगा है, सब कुछ सब्जी एंड ऑल बन के रेडी हो गया है जैसे आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे मंडली भी आ गई है, थोड़ा 15-20 मिनट लगेगा अभी, अब रामधुन शुरू होगा। तो ये देखिए फाइनली यहाँ पे रामचरितमानस पाठ सुंदरकांड का जो मंडली लोग हैं वो आ चुके हैं, इंस्ट्रूमेंट का सेटअप कर रहे हैं ये लोग रामचरितमानस पाठ। जैसे आगे बढ़ते हैं हम आपको दिखाते हैं। लगता है पत्ता पर से खाना फेंकने वाले हैं। हाँ वही बात ही है, इसलिए मुंह छुपा रहे हैं। अभी नहीं वीडियो लाइट थोड़ा दे देते हैं अरे जनरेटर बंद कर दिया।
बिजली आ गई ना। और अभी शाम तक नारायण भगवान का पूजा से लेके रामचरितमानस पाठ हुआ है और खाना पीना को लेके जो सारा कुछ आपने अभी देखा करते कराते, अभी आप यकीन नहीं मानेंगे, ये देखिए अभी 1:15 होने को है और 1:15 रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले सब लोग गए हैं, अब हम लोग भी सोने आए हैं, तो मैंने सोचा कि एक जस्ट अपडेट कर दूँ लास्ट आज के लिए। आज हम लोग काफ़ी थके हुए हैं और आपको जस्ट मैं दिखाता हूँ कि क्या कुछ गिफ्ट कितना सारा यहाँ पे लोगों ने दिया है हमें। इसके नीचे सारा कुछ ये गिफ्ट से ही भरा हुआ है इतना। तो ये यहाँ पे आप गिफ्टिंग आइटम देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये सारा कुछ लोगों ने गिफ्ट दिया है। तो इसको अब हम देखेंगे ओपन करके कि आखिर इसमें क्या क्या स्पेशल है, बिकॉज किसी ने अगर प्यार से गिफ्ट रैप करके दिया है तो उम्मीद है अच्छा होगा। कल हम अनबॉक्सिंग करेंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे कि क्या क्या है इसमें, तो जो भी है आपको हम कल दिखाएंगे। हमारे चैनल के सभी दर्शकों को हम दोनों लोगों की तरफ, इनफैक्ट हम तीनों लोगों की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रीति भोज में शामिल होने के लिए, एंड जो इतना सारा ये गिफ्ट लेके आए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बाबू पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। गुड नाइट, बाय बाय, फिर मिलेंगे कल किसी और वीडियो के साथ एक नए ब्लॉग में। तब तक ट्यून इन टू दिस चैनल राजन शिवानी ब्लॉग्स। Bye-bye. Good night.